किस तरीके का आर्टिकल हो सकता है, मतलब हाउ टू, नहीं एक डेफिनेशन ही टाइप की लिख लो, क्या हो सकता है आर्टिकल, कैसा हो सकता है वो कहते हैं। तो आर्टिकल कैन बी, आर्टिकल सॉरी कैन बी मच हाँ शॉर्टर देन ए बुक। एन आर्टिकल कैन बी एज शॉर्टर एज ए पैराग्राफ। और एज लॉन्ग एज सेवरल डजन पेजेस। लिख लिया? तो क्या आर्टिकल कैसा हो सकता है? अब भाई आप कैसे समझेंगे आर्टिकल? आर्टिकल कुछ भी हो सकता है। क्या मच शॉर्टर देन ए बुक, एक बुक से भी छोटा, एक छोटा सा पैराग्राफ जो लिखते हो वो भी आर्टिकल कहला सकता है, या एक आप बहुत सारे पेजेस की बुक बना दो वो भी क्या कहलाएगा, एक आर्टिकल हाँ है ना। ओके सर, ठीक है, तो अब हमको समझना है हाउ टू राइट आर्टिकल, आपको किन स्टेप्स का फॉलो करना चाहिए आर्टिकल के लिए। हाँ हाउ टू राइट आर्टिकल या स्टेप्स फॉलो फॉलो फॉर राइटिंग। देखिए आप लोग ने अभी एक वेबसाइट बनाई थी, ठीक है ना, हाँ सर, वो पता है क्या, वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि आप लोग अच्छे से बना पाते हो कि नहीं, क्योंकि आप लोगों की उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, वो पब्लिकली नहीं कर सकते। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई वेबसाइट बनाती है तो उनमें कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। लाइक मैं एक छोटी सी मिस्टेक बताता हूँ जो सभी के में थी। हाँ आप सर, लोगों ने जब वेबसाइट का डोमेन चॉइस किया, मतलब वेबसाइट एड्रेस चॉइस किया, हाँ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है किसी किसी के में, किसी किसी का नाम इतना बड़ा है वो नहीं होना चाहिए। हमेशा वेबसाइट शॉर्टर से शॉर्टर नेम की रखनी चाहिए, और हाँ वो वेबसाइट का नेम वो चॉइस करना चाहिए जो आपकी पूरी वेबसाइट के बारे में डिफाइन कर डाले। लाइक एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने जिस तरह कस्तूरी ने वेबसाइट का नेम शायद कस्तूरी डिजाइन करके लिखा था, है ना, ऐसे करके लिखा था ना कुछ, सर, बट उसके अंदर क्या था, क्या था उसके अंदर बताओ बेटा कस्तूरी। एक हाँ क्लोथ के बारे में था, एक ट्रेवलर और एक हाँ एक ट्रैवलर के बारे में था, है ना, रिज्यूम। और एक किसके बारे में, रिज्यूम रिज्यूम के बारे में। ओके, और दूसरा क्लॉथ क्लोथ के बारे में था। ओके, तो भाई आपका जो ये कस्तूरी डिजाइन्स नाम है वो किसी भी तरीके से ट्रैवल और रिज्यूम से मैच खा रहा है? नहीं। नहीं खा रहा है। ये गलतियां हुई हैं कि क्या, जो आप कुछ भी टॉपिक डिसाइड करते हो ना तो उस टॉपिक के बारे में ही फिर उसमें उस वेबसाइट में सब कुछ होना चाहिए। उस वेबसाइट में जो भी टॉपिक, मतलब जो वेबसाइट का नेम डिसाइड किया जाता है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सर ओके, तो अब उसको समझेंगे आर्टिकल से आप समझ जाओगे।
पहला ही यही होता है जो स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, वो होता है सिलेक्ट योर टॉपिक। पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है सिलेक्ट योर टॉपिक। ये ब्लॉग के लिए बता रहा हूँ फिलहाल में अभी, है ना, आर्टिकल। तो क्या है, देख लिया, हेडिंग डाल ली। क्या होगा इसके अंदर, चूज ए टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू इनफ टू फोकस ऑन इट for at least a week or two. लिख लिया। हाँ सर, हो गया। ओके, सो पहला तो जो मतलब है मेन है वो यही है, चूज ए टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू इनफ, मींस ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्ट यू इनफ का मतलब, इनफ मींस क्या होता है, बस, है ना, इनफ मींस हो जाता है अरे बस करो बस, वो कहलाता है इनफ, हाँ, हाँ, है ना। तो ऐसा और इंटरेस्ट होना चाहिए आपका जो आपको कह दे हाँ भाई बस, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपका हो उसमें हो, वही टॉपिक च्वाइस करना चाहिए। Enough to focus on it, ताकि आप उसमें क्या कर सको, बहुत अच्छे से focus कर सको, मतलब ऐसा topic जिसमें आपका interest कभी भी खत्म ना हो, article में ऐसा topic choice करना चाहिए। भाई जब कहते नहीं है कि cartoon, वो cartoon वाले को क्या कहते हैं, cartooner कहते हैं, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, cartoonist होता है ना जो, है ना, तो उसका उसको नाम क्यों cartoonist है, क्योंकि भाई उसका केवल एक ही इंटरेस्ट है कार्टून बनाना। हाँ, पेंटर हाँ, का केवल एक ही इंटरेस्ट है पेंटिंग करना, इसीलिए उसका नाम पेंटर है, हाँ, है ना। कारपेंटर का केवल एक ही काम है कि लकड़ियों से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाना, फर्नीचर्स बनाना, तभी उसका नाम कारपेंटर है, हाँ, है ना। तो आपका इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए ताकि वो इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो कि भाई उसके अलावा आपको कुछ और ना दिखे, वो आपका असली टॉपिक होगा, वही आपका सही टॉपिक होगा, ठीक है ना। हाँ सर, है, ओके। अब और एक चीज और, इफ योर, तो एक एक लाइन का मतलब जरूर समझ लेना, वरना ये थ्योरी मतलब एक बहुत बड़ी मोटी सी बुक बन जाएगी, फिर आप कहोगे अरे सर ने आर्टिकल बताया था, हाँ हाँ बताया था, पांच छह पन्नों का लिखवाया था, लिखा क्या है उसमें पता नहीं हमें, ठीक है। तो एक एक लाइन को समझते हुए चलना आपको, है ना। हाँ सर। ओके, इफ योर टॉपिक इज ब्रॉड नैरो, लाइन का मीन कोई कोई बता दे मुझे, क्या सर इस लाइन का मीन क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा बताओ क्या मतलब हुआ इसका। इफ योर टॉपिक इज ब्रॉड नैरो इट, पहले तो हिंदी बताओ, हिंदी क्या हुई, कौन बताएगा, कस्तूरी बताएगी, हिंदी क्या हुआ इसका, मतलब इफ योर टॉपिक इज ब्रॉड नैरो इट इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, हिंदी अच्छे से बोल लेती ना कस्तूरी, हाँ, तो इसका मीनिंग इंग्लिश वाली क्लास में आपको पढ़ाया जाता है मीनिंग, है ना, वो ग्रामर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ पहले तो मेरे को ये बताओ। कस्तूरी क्या हुआ बेटा इसका मतलब, अच्छा ब्रॉड माने, ब्रॉड माने क्या होता है,
वासंती हाँ सर क्या होता है, ब्रॉड माने क्या होता है? बड़ा बड़ा, ओके गुड। रूपाली, नैरो मीन्स क्या होता है? छोटा छोटा, ओके। अब संगीता आप बताओ इस पूरी लाइन का मीन। जब हमारा टॉपिक मोटा और चौड़ा होता है। देखो ब्रॉड माने होता है बहुत बड़ा हो, चौड़ा बड़ा, ठीक है। नैरो का मीन्स होता है हाँ छोटा, ओके। अगर छोटा आप इसको एक सेंटेंस में पिरो रहे हो, सेंटेंस में यूज कर रहे हो, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। अगर अश्विनी बताइए इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सेंटेंस में पिरो दिया ब्रॉड और नैरो को, अब क्या मतलब हो गया इसका? मतलब जो हमार अगर हमारा टॉपिक छोटा या बड़ा होगा। नहीं गलत, देखो कॉमा लगा है इसमें, ब्रेक तो लो। पहले ये बोलेंगे इफ योर टॉपिक इज ब्रॉड, मतलब हमारा अगर तुम्हारा टॉपिक बड़ा होगा बड़ा है, ओके। नैरो इट, छोटा कर दो, छोटा मीन्स इफ योर टॉपिक इज ब्रॉड, अगर आपका टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको क्या कर दो, नैरो इट, उसको छोटा कर दो। नैरो मीन्स छोटा, इट मीन्स क्या, टॉपिक। इट इसको इट जो है किसको यहाँ पे साइन कर रहा है, टॉपिक को, टॉपिक होता नहीं है। हम मैंने लिखा इंग्लिश में अश्विनी इज गोइंग, है ना, हाँ अश्विनी इज गोइंग विद हर बैग, यहाँ हर किसको डिनोट कर रहा है, हाँ तो अश्विनी यहाँ इट किसको डिनोट कर रहा है, टॉपिक टॉपिक को, ठीक है ना। तो क्या हाँ मतलब हो गया, इफ योर टॉपिक इज, और कॉमा लगा है, ये कॉमा का मतलब क्या होता है, रुकना ना थोड़ा, फुल स्टॉप का मतलब पूरी तरीके से रुकना, लेकिन कॉमा मीन थोड़ा रुकना, है ना, स्टॉप करना वहां पे थोड़ा, यहाँ स्टॉप भी तो करेंगे। तो क्या मतलब हुआ, इफ योर टॉपिक इज ब्रॉड मीन्स अगर आपका टॉपिक क्या है, बहुत बड़ा है, नैरो इट, उससे क्या कर दें, छोटा छोटा कर दें। अब इसका कोई मतलब समझा, अरे भाई टॉपिक बड़ा है तो छोटा क्यों कर दें हम, टॉपिक तो बड़ा रहना चाहिए, मतलब एक थोड़ा सोचो आप लोग। देखो ये चीज ऐसी है, ब्लॉग एक ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत सोचने के बाद ही उसका रिजल्ट मिलता है, बहुत जब सोचोगे, थिंक करोगे, उसमें फोकस करोगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये ब्लॉग इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो हाँ क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, शायद आप उससे समझ पाए। एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक आप राइट कर रहे हो, यू आर राइटिंग अबाउट हाउ टू डेकोरेट होम। ये रूपाली को जो है आलस आ रहा है ना। Writing about how to decorate your home. Instead of writing about how to decorate your home, type covering how to decorate your home in countryside. On a sort of sorting with it. क्या मतलब हुआ, इंस्टेड ऑफ मीन्स जानते हैं ना, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता चार है? क्या होता है संगीता, इंस्टेड ऑफ मीन्स? नहीं पता सर। इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश, हिंदी नहीं, इंग्लिश है ये। ओके तो पता होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, जी भाई
के बजाय, मीन्स अश्विनी केम इंस्टेड ऑफ संगीता, तो क्या मतलब हुई, क्या मतलब हुआ इसका? अश्विनी आई इंस्टेड ऑफ संगीता, संगीता के बजाय, है ना? हाँ समझ गए? क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अबाउट हाउ टू डेकोरेट योर रूम, मतलब अगर आप लिख रहे हो हाउ टू डेकोरेट योर रूम, मतलब हम लिख रहे हैं, एक टॉपिक है कि हम अपने घर को कैसे सजाएं, तो एग्जाम्पल मेरा मतलब ये है कि आप अगर सोच रहे हो किस तरह सजाएं, तो इसकी बजाय आप ट्राई करो, ट्राई कवरिंग हाउ टू डेकोरेट योर होम इन कंट्री स्टाइल ऑन ए सॉर्टिंग बजट,